नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? और कैसा रहा आपका दिन? मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे। मैं आपको अपनी दिनचर्या बताती हूँ। सुबह 6 बजे उठी, मम्मी तब तक उठ चुकी थी, मम्मी नहा भी चुकी थी क्योंकि मम्मी को जाना था सत्संग में बाटी। तो मम्मी सुबह 6 बजे उठ के सत्संग में चली गई और फिर मैं 6 बजे उठी, मैंने सब्जी बनाई, रोटी बनाई, सुबह का नाश्ता बनाया, दोपहर का लंच बनाया, फिर मैं ऑफिस के लिए निकली। मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ मोस्टली 8:15 बजे क्योंकि मेरा मेट्रो से जाना होता है और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ते हैं मेट्रो तक। तो और फिर कभी कभी खड़े होके भी जाना होता है और मेरा 8 मंथ चल रहा है क्योंकि डिलीवरी बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। फिर मैं पहुंची ऑफिस, मेरा ऑफिस टाइमिंग चेंज हो चुका है, इसी की वजह से मेरा ऑफिस टाइमिंग हो गया है 10 बजे से 5 बजे तक। तो मैं 10 बजे के करीब ऑफिस पहुंच जाती हूँ। ऑफिस पहुंच के मैंने काम किया ऑफिस का। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्टार का, जिसमें हमें वीडियोस एंट्री कराने होते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं तो वो एंट्री कराने होते हैं और उसको लीड करना मेरा काम है। मैं गाइड करती हूँ, एंट्री कराती हूँ, फिर हम प्रोजेक्ट को डिलीवर भी करते हैं क्योंकि हमारा काम है पर डे उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना, वीडियोस प्रूफ भेजना, एक्सेल एंट्री भेजना, ये सब चीज़ें करना। और उसके बाद फिर दोपहर में मैंने क्या किया, पीपी सर को परेशान किया। मैंने वीडियो बनाया था जिसमें वो लंच कर रहे थे, मैंने वीडियो डाली भी, आप ज़रूर देखना, खाना खाते हुए की और खाना खाने के बाद की। बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है ऑफिस का काम करने में, आने जाने में। फिर मैं 5 बजे निकली ऑफिस से, मेट्रो ली, 15 मिनट लगते हैं मुझे मेट्रो तक पहुंचने में क्योंकि मैं आराम आराम से चलती हूँ बेबी की वजह से, क्योंकि तेज़ी में चला नहीं जाता इस सिचुएशन में, आराम आराम से चलती। तो 5 बजे निकलती हूँ, 5:15 बजे मेट्रो स्टेशन, 5:15 या 5:20 पे फिर मैं मेट्रो लेती हूँ वहाँ से। और फिर आजकल तो ट्रैफिक जाम भी इतना ज़्यादा हो जाता है, रास्ते में आते हुए ट्रैफिक में फंस जाती हूँ, वही 2 घंटे आना 2 घंटे जाना। 7 बजे घर पहुँचती हूँ, घर आके फिर मैं रेस्ट करती हूँ आधा घंटा और मम्मी मुझे खाना बना के देती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ ना, मम्मी को खाना बनाना होता है, फिर शाम को मम्मी खाना बना के देती है और इतना अच्छा लगता है कोई खाना बना के दे दे शाम को, जब आप ऑफिस से आओ और आपको बना बनाया खाना, मज़े आ जाते हैं खाने में और भूख बढ़ जाती है। तो बस ये मेरी दिनचर्या, अभी 9 बजने वाले हैं, हम सब ने खाना वाना खा लिया है, दूध पी लिया है। तो मैंने सोचा मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊं, बस ऐसे ही गुजर जाती है दिनचर्या। आज मैंने कुछ नया काम नहीं किया, कल मेरी छुट्टी है क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, कल देखते हैं क्या करते हैं, कल कुछ नया तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो ये मेरी दिनचर्या थी जो मैंने आपको 3 से 4 मिनट में एक्सप्लेन कर दी लेकिन ये एक्सप्लेन करना और पूरा दिन निकालना बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन सब चीज़ों में। तो 9 बज चुके हैं, अब मुझे सोना है क्योंकि मुझे सोने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं करवट नहीं बदल सकती, सीधा नहीं लेट सकती क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, मुझे पेन होता है अगर मैं सीधा लेट जाती हूँ तो, और करवट लेके सोती हूँ तो इस साइड या इस साइड। तो दोस्तों ये थी मेरी दिनचर्या, अब जरूर देखिएगा। और बस यही कहना था, मेरी दिनचर्या, अब मैं हर रोज़ आपको अपनी दिनचर्या बताऊंगी, हर रोज़ बताऊंगी, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट सभी को, टेक केयर।